नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देख आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में क्या आपको बता देंगी कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर है कौन कौन से हीरोइन है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और इसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को जरूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन नौ फरवरी दो को रिलीज की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अमिताभ अभिने अभिनेता जो है वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल अरुणाचलगंथम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब लेडे, लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत कि क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन यह सभी निर्माता है इस फिल्म के वही लेखक है आर बल्कि स्वानंद किरकिरे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो हैं वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये नौ फरवरी दो को रिलीज की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था वो 150 करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देख आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में का आपको बता देंगी कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर्स है कौन कौन से हीरोइन है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और उसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को ज़रूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन नौ फरवरी दो को रिलीज की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगन्थम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब लेडे, लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत कि क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन ये सभी निर्माता है इस फिल्म के वहीं लेखक है आर वल्की स्वानंद किरकरे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो हैं वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये नौ फरवरी दो को रिलीज की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था एक सौ पचास करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देखकर आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में का आपको बता देंगे कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर्स है कौन कौन से हीरोइन है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और इसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को ज़रूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन 9 फरवरी 2018 को रिलीज की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगंथम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन ये सभी निर्माता है इस फिल्म के वही लेखक है आर वल् स्वानंद किरकरे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो है वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये नौ फरवरी दो को रिलीज की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था वो 150 करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देखकर आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में का आपको बता देंगे कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर्स है कौन कौन से हीरोइंस हैं किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और उसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को ज़रूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन 9 फरवरी 2018 को रिलीज की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुगन्थम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत की क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन यह सभी निर्माता है इस फिल्म के वही लेखक है आर वल्की स्वानंद किरकरे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो हैं वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये 9 फरवरी दो को रिलीज की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था एक सौ पचास करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देख आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में का आपको बता देंगे कौन कौन से अभिनेता ने काम किया इसमें कौन कौन से एक्टर से कौन कौन से हीरोइन से किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और उसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को ज़रूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन नौ फरवरी दो को रिलीज़ की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगन्थम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप इन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब लेडे, लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत कि क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन यह सभी निर्माता है इस फिल्म के वहीं लेखक है आर बल्की स्वानंद किरकरे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो हैं वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये नौ फरवरी दो को रिलीज़ की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था एक सौ पचास करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देखकर आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर्स है कौन कौन से हीरोइन है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और उसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को जरूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन 9 फरवरी 2018 को रिलीज की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिनेता जो है वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैनिटरी सेन, पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब लेडे, लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत कि क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन यह सभी निर्माता है इस फिल्म के वही लेखक है आर वल्की स्वानंद किरकरे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो हैं वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये 9 फरवरी दो को रिलीज की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था एक सौ पचास करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देखकर आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में का आपको बता देंगे कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर्स है कौन कौन से हीरोइन है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और उसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को जरूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन नौ फरवरी दो को रिलीज की गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगन्थम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत की क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन ये सभी निर्माता है इस फिल्म के वही लेखक है आर वल्की स्वानंद किरकरे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो हैं वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये नौ फरवरी दो को रिलीज की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था वो 150 करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देख आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में आपको बता देंगे कि कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर्स है कौन कौन से हीरोइन है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और उसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को ज़रूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन नौ फरवरी दो को रिलीज की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगंथम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत कि क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन ये सभी निर्माता है इस फिल्म के वही लेखक है आर वल्की स्वानंद किरकरे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो है वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये नौ फरवरी दो को रिलीज की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था वह एक सौ पचास करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देखकर आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में का आपको बता देंगे कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर्स है कौन कौन से हीरोइंस है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और उसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को जरूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन नौ फरवरी दो को रिलीज की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगन्थम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब लेडे, लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत की क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन यह सभी निर्माता है इस फिल्म के वहीं लेखक है आर वल्की स्वानंद किरकिे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो हैं वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये नौ फरवरी दो को रिलीज़ की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था वो 150 करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देखकर आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में क्या आपको बता देंगी कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर है कौन कौन से हीरोइन है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और इसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को ज़रूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन नौ फरवरी दो को रिलीज की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिनेता जो है वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैनिटरी सेन, पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप इन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब लेडे, लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत कि क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन यह सभी निर्माता है इस फिल्म के वही लेखक है आर बल्कि स्वानंद किरकिरे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो हैं वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये 9 फरवरी दो हज़ार को रिलीज की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो 90 करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था एक सौ पचास करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देख आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में का आपको बता देंगी कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर से कौन कौन से हीरोइन से किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और उसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को ज़रूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन नौ फरवरी दो को रिलीज की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगन्थम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब लेडे, लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत कि क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म हॉप प्रोडक्शन ये सभी निर्माता है इस फिल्म के वहीं लेखक है आर बल्की स्वानंद किरकरे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो हैं वो अभि अविता आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये नौ फरवरी दो को रिलीज की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था एक सौ पचास करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देखकर आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में का आपको बता देंगे कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर्स है कौन कौन से हीरोइन है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और इसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को ज़रूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पेडमैन नौ फरवरी दो को रिलीज की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिनय अमिताभ अभिनय अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगंथम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैपकिन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन ये सभी निर्माता है इस फिल्म के वही लेखक है आर बल्कि स्वानंद किरकरे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो है वो अभी अभी आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये 9 फरवरी दो को रिलीज की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था एक सौ पचास करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देखकर आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में का आपको बता देंगे कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर्स है कौन कौन से हीरोइंस हैं किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और इसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को ज़रूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन 9 फरवरी 2018 को रिलीज की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वह अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगंथम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत की क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन यह सभी निर्माता है इस फिल्म के वही लेखक है आर वल्की स्वानंद किरकिरे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो हैं वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये नौ फरवरी दो को रिलीज की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था वह एक सौ पचास करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देखकर आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में क्या आपको बता देंगे कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर है कौन कौन से हीरोइन है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और इसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को ज़रूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन नौ फरवरी दो को रिलीज की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगन्थम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सेनेटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन से सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब लेडे, लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत कि क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन यह सभी निर्माता है इस फिल्म के वही लेखक है आर बल्की स्वानंद किरकिे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो हैं वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये नौ फरवरी दो को रिलीज़ की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था वो 150 करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देखकर आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में क्या आपको बता देंगी कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर है कौन कौन से हीरोइन है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और इसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को ज़रूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन नौ फरवरी दो को रिलीज की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगन्थम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत कि क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन यह सभी निर्माता है इस फिल्म के वही लेखक है आर बल्कि स्वानंद किरकिे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो हैं वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये नौ फरवरी दो को रिलीज़ की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था एक सौ पचास करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देखकर आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता ने काम किया इसमें कौन कौन से एक्टर्स है कौन कौन से हीरोइन है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और इसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को ज़रूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन नौ फरवरी दो को रिलीज की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगन्थम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन ये सभी निर्माता है इस फिल्म के वही लेखक है आर वल की स्वानंद सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो है, वो अभी, अभी आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये नौ फरवरी दो को रिलीज की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था वो 150 करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देखकर आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में का आपको बता देंगे कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर्स है कौन कौन से हीरोइन है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज की गई थी कब रिलीज की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और उसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को जरूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन 9 फरवरी 2018 को रिलीज की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगंथम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत कि क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन ये सभी निर्माता है इस फिल्म के वही लेखक है आर वल्की स्वानंद किरकरे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो है वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये नौ फरवरी दो को रिलीज की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था वो 150 करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देख आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता ने काम किया इसमें कौन कौन से एक्टर्स है कौन कौन से हीरोइंस है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और इसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को ज़रूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन नौ फरवरी दो को रिलीज की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगन्थम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत की क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन यह सभी निर्माता है इस फिल्म के वही लेखक है आर वल्की स्वानंद किरकिे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो हैं वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये 9 फरवरी दो को रिलीज़ की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था वह एक सौ पचास करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देखकर आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में का आपको बता देंगे कौन कौन से अभिनेता ने काम किया इसमें कौन कौन से एक्टर है कौन कौन से हीरोइन है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और इसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को जरूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन नौ फरवरी दो को रिलीज की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगन्थम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब लेडे, लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत कि क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन यह सभी निर्माता है इस फिल्म के वहीं लेखक है आर बल्कि स्वानंद किरकिे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो हैं वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये नौ फरवरी दो को रिलीज की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था वो 150 करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देखकर आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में का आपको बता देंगे कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर्स है कौन कौन से हीरोइंस है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और उसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को जरूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन 9 फरवरी 2018 को रिलीज की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुगन्थम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत की क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन यह सभी निर्माता है इस फिल्म के वही लेखक है आर बल्कि स्वानंद किरकरे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो हैं वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये 9 फरवरी दो को रिलीज की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था वो 150 करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देखकर आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता ने काम किया इसमें कौन कौन से एक्टर्स है कौन कौन से हीरोइन है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और इसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को ज़रूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन नौ फरवरी दो को रिलीज की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगन्थम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन ये सभी निर्माता है इस फिल्म के वही लेखक है आर बल्कि की स्वानंद किरकरे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो है, वो अभी, अभी आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये नौ फरवरी दो को रिलीज की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था वो 150 करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देख आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर से कौन कौन से हीरोइन से किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और उसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को जरूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैन हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन 9 फरवरी 2018 को रिलीज़ की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगन्थम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब लेडे, लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत कि क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन यह सभी निर्माता है इस फिल्म के वही लेखक है आर बल्कि स्वानंद किरकिरे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो हैं वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये 9 फरवरी दो को रिलीज की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था एक सौ पचास करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देखकर आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में का आपको बता देंगे कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर्स है कौन कौन से हीरोइंस है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और उसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को जरूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन 9 फरवरी 2018 को रिलीज की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगंथम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत की क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन सभी निर्माता है इस फिल्म के वही लेखक है आर वल्की स्वानंद किरकिरे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो हैं वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये नौ फरवरी दो को रिलीज की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था एक सौ पचास करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देखकर आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में का आपको बता देंगे कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर्स है कौन कौन से हीरोइन है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और उसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को ज़रूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन नौ फरवरी दो को रिलीज की गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगंथम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत की क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन यह सभी निर्माता है इस फिल्म के वही लेखक है आर वल्की स्वानंद किरकरे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो हैं वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये नौ फरवरी दो को रिलीज की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था वो 150 करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देखकर आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में का आपको बता देंगी कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर है कौन कौन से हीरोइन है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और इसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को ज़रूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन नौ फरवरी दो को रिलीज की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगन्थम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब डा लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत कि क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन यह सभी निर्माता है इस फिल्म के वही लेखक है आर बल्कि स्वानंद किरकरे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो हैं वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये नौ फरवरी दो को रिलीज की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था एक सौ पचास करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देख आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में आपको बता दें कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर्स है कौन कौन से हीरोइंस है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और उसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैड जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को ज़रूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन नौ फरवरी दो को रिलीज की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगन्थम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन से सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत की क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन यह सभी निर्माता है इस फिल्म के वहीं लेखक है आर वल्की स्वानंद किरकिे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो हैं वो अवि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये नौ फरवरी दो को रिलीज़ की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था एक सौ पचास करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देख आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में आपको बता दें कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर्स है कौन कौन से हीरोइन है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और उसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को ज़रूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन नौ फरवरी दो को रिलीज की गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगन्थम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत की क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन ये सभी निर्माता है इस फिल्म के वही लेखक है आर वल्की स्वानंद किरकरे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो हैं वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये नौ फरवरी दो को रिलीज की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था एक सौ पचास करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देखकर आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर्स है कौन कौन से हीरोइन है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और उसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को ज़रूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन 9 फरवरी 2018 को रिलीज की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगन्थम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब लेडे, लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत कि क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन यह सभी निर्माता है इस फिल्म के वहीं लेखक है आर बल्कि स्वानंद किरकरे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो हैं वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये नौ फरवरी दो हज़ार को रिलीज की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था एक सौ पचास करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देख आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर्स से कौन कौन से हीरोइंस है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और इसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को ज़रूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन नौ फरवरी दो को रिलीज की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगंथम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन से सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत की क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन यह सभी निर्माता है इस फिल्म के वही लेखक है आर वल्की स्वानंद किरकिे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो हैं वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये 9 फरवरी दो को रिलीज़ की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था वो 150 करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देख आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में का आपको बता देंगे कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर्स है कौन कौन से हीरोइन है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और उसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को ज़रूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन नौ फरवरी दो को रिलीज की गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगन्थम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एस पी भारत की क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन ये सभी निर्माता है इस फिल्म के वही लेखक है आर वल्की स्वानंद किरकरे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो हैं वो अभि अविता आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये नौ फरवरी दो को रिलीज की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था वो 150 करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देखकर आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में का आपको बता देंगे कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर है कौन कौन से हीरोइन है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और उसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया है और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को ज़रूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन नौ फरवरी दो को रिलीज की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगन्थम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैनिटरी सेन, सेनेटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत की क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन यह सभी निर्माता है इस फिल्म के वहीं लेखक है आर वल्की स्वानंद किरकिे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो हैं वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये नौ फरवरी दो को रिलीज़ की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था एक सौ पचास करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देख आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में आपको बता देंगे कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर्स है कौन कौन से हीरोइन है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और इसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को ज़रूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन नौ फरवरी दो को रिलीज की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगंथम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत की क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन सभी निर्माता है इस फिल्म के वही लेखक है आर वल्की स्वानंद किरकिरे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो हैं वो अभि अभिता आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये नौ फरवरी दो को रिलीज की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था वो 150 करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देखकर आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर्स है कौन कौन से हीरोइन है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और उसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को ज़रूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन नौ फरवरी दो को रिलीज की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगन्थम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन से सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब लेडे, लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत कि क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन ये सभी निर्माता है इस फिल्म के वही लेखक है आर वल्की स्वानंद किरकरे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो हैं वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये नौ फरवरी दो को रिलीज की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था एक सौ पचास करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देखकर आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में का आपको बता देंगे कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर्स है कौन कौन से हीरोइंस है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और उसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को जरूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन नौ फरवरी दो को रिलीज की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगन्थम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन से सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब लेडे, लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत की क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन यह सभी निर्माता है इस फिल्म के वहीं लेखक है आर वल्की स्वानंद किरकिे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो हैं वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये नौ फरवरी दो को रिलीज की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था एक 150 करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देखकर आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में का आपको बता देंगे कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर्स है कौन कौन से हीरोइंस है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और उसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को ज़रूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन 9 फरवरी 2018 को रिलीज की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगंथम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत कि क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन ये सभी निर्माता है इस फिल्म के वही लेखक है आर वल्की स्वानंद किरकरे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो है वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये 9 फरवरी दो को रिलीज की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था वो एक सौ पचास करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देखकर आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में आपको बता दें कि कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर्स है कौन कौन से हीरोइन है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और उसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को जरूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन नौ फरवरी दो को रिलीज की गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिनेमिता अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगंथम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब लेडे, लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत कि क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन यह सभी निर्माता है इस फिल्म के वहीं लेखक है आर बल्कि स्वानंद किरकरे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो हैं वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये 9 फरवरी दो हज़ार को रिलीज की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो 90 करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था एक सौ पचास करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देख आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में का आपको बता देंगे कौन कौन से अभिनेता ने काम किया इसमें कौन कौन से एक्टर से कौन कौन से हीरोइन से किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और उसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को ज़रूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन नौ फरवरी दो को रिलीज़ की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगन्थम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन से सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत कि क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन यह सभी निर्माता है इस फिल्म के वहीं लेखक है आर वल्की स्वानंद किरकिे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो हैं वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये नौ फरवरी दो को रिलीज की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपये में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था एक सौ पचास करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं जिस मूवी का उसका नाम है पैडमैन जी हाँ पैडमैन अगर आप देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार के फैन से तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पैडमैन फिल्म की रिव्यू देखकर आप बहुत ही खुश होने वाले हैं पैडमैन में का आपको बता देंगे कौन कौन से अभिनेता ने काम किया है इसमें कौन कौन से एक्टर्स है कौन कौन से हीरोइन है किस प्रकार से ये मूवी को रिलीज़ की गई थी कब रिलीज़ की गई थी कितनी इसकी कमाई हुई थी कितनी इसकी लागत है और इसमें कौन कौन से अभिनेता ने लीड रोल निभाया और किस तरीके से पैडमैन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मूवियों में से एक मूवी है जिसको देखना हर किसी को ज़रूरी है तो दोस्तों इन सभी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो के बारे में तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैडमैन रिव्यू जो है हम करने वाले हैं इसमें पैडमैन नौ फरवरी दो को रिलीज की गई गई थी जो कि भारतीय हिंदी जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जी हाँ ये जीवनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम रखा गया है पैडमैन जिसमें कि आपको मुख्य भूमिका में यानी कि लीड रोल में आपको दिखेंगे अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आप्टे इसी के साथ अभिने अमिताभ अभिने अभिनेता जो हैं वो अमिताभ बच्चन विशेष भूमिका में दिखेंगे आपको जी हाँ यह फिल्म अरुणाचल मुगुरु मुरुगंथम की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जिन्होंने कम लागत वाले सैन सैनिटरी पेड बनाने का मशीन का आविष्कार किया था मुरुगुनानाथम ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो सैनिटरी नैप किन सस्ते दाम में उत्पादित करती थी और उनको इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था ट्विंकल खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देशित किया है ट्विंकल खन्ना की दूसरी किताब द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद का आखिरी अध्याय इसी फिल्म से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको निर्माता जो दिखेंगे वो ट्विंकल खन्ना एसपी फिल्म्स भारत कि क्रोज मनोरंजन कैफ ऑफ गुड्स फिल्म होप प्रोडक्शन ये सभी निर्माता है इस फिल्म के वही लेखक है आर वल् स्वानंद किरकरे सह लेखक हैं आपको बता दें कि इसमें कथावाचक जो है वो अभि आप बच्चन दिखेंगे अभिनेता जो है वो अक्षय कुमार सोनम कपूर और राधिका आपटे हैं जी हाँ और इसके साथ ये नौ फरवरी दो को रिलीज की गई थी इसकी लागत कुल लागत जो थी वो नब्बे करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी उस फिल्म का कुल कारोबार जो वर्ल्ड वाइड हुआ था वो 150 करोड़ रुपए की हुई थी धन्यवाद आप सभी का